लेकिन अगर कोई चुनौती देगा, किसी प्रकार से कोई अस्तित्व पर खतरा होगा, तो फिर परशुराम जैसा अवतार भी लेने का हमको अधिकार है। आप चुनौती दीजिएगा, हमारे अस्तित्व पर खतरा कीजिएगा, तो हम फरसा भी चलाना चाहते हैं। इस आह्वान के साथ यह आज कार्यक्रम हुआ है। भगवानपुर में धूमधाम से मनी भगवान परशुराम की जयंती। करहरी पंचायत में परशुराम जयंती का आयोजन हुआ। पहली बार चुनाव जीतने के बाद जिला वैशाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुधीर मिश्रा यहां पर आए और उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। हालांकि इस दौरान वो काफी भावुक हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ के दौरान बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्व मुखिया गणेश प्रसाद सिंह प्रोफेसर राजमणि ने यहाँ पर जिला परिषद सदस्य मनीष शुक्ला, सुधीर मिश्रा जी और मनोज शुक्ला को यहाँ पर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। तमाम लोग, गणमान्य लोग इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। परशुराम जयंती आज है, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजनीतिक संदर्भ, सामाजिक दृष्टिकोण सबको मिलाकर? आज यहाँ भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत करहरी पंचायत में परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से परशुराम, भगवान परशुराम हम लोग के आराध्य देव हैं। सिर्फ हम ही लोग के नहीं, इस धरती पर विष्णु के छठे अवतार, इस नाते उन सबके आराध्य देव हैं। हम लोग विशेष रूप से उनका पूजन अर्चन करते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का अवसर था, इस अवसर पर उनका पखवाड़ा चल रहा है। अक्षय तृतीया के दिन उनका जन्म हुआ, लेकिन आज उनका समापन समारोह पखवाड़ा चल रहा था, उसी समापन समारोह में लोग आए थे। और विशेष रूप से जिला के जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नए अध्यक्ष जीते हैं, उनका एक अभिनंदन समारोह भी था उस जयंती समारोह में। तो दोनों कार्यक्रम समाज स्पर्शी था। और हम लोग तो उस समाज से आते हैं जिस समाज सबको रास्ता दिखाता है। हम लोग शिक्षा देने वाले हैं, दीक्षा देने वाले लोग हैं और सभी समाज की कल्पना और सब समाज को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। हमने हमेशा समाज को दिशा दिया है। हमारे पूर्वज, इतिहास जब उठाकर देखा जाएगा तो स्वतंत्रता लड़ाई का आंदोलन हो, चाहे मुगलों से लड़ना हो, जब भी आवश्यकता पड़ा है इस देश में सबसे ज़्यादा बलिदान देने वाला यह समाज है। और निश्चित रूप से आगे भी, आगे आने वाले दिन में जब राष्ट्र पर कोई खतरा हो, किसी प्रकार का राज्य पर के विशेष मर्यादा का बात हो, तो यह समाज सबसे अग्रणी भूमिका में रहता है। और निश्चित रूप से समाज का जो भूमिका है आज के डेट में वो सर्वस्पर्शी है, समाज सेवी है और किसी प्रकार का भेदभाव हम लोग करने वाले नहीं हैं। भले राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग अस्पृश्य रूप से हम लोग को मानता है, लेकिन हम लोग किसी को नहीं मानते। हम लोग मानते हैं कि भाई सब समाज हमारा है और सबको साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन अगर कोई चुनौती देगा, किसी प्रकार से कोई अस्तित्व पर खतरा होगा, तो फिर परशुराम जैसा अवतार भी लेने का हमको अधिकार है। हमारे पूर्वज ने किया है तो हम आगे कर सकते हैं। लेकिन एक हाथ में हमारा शस्त्र है और एक हाथ में शास्त्र है। हम शास्त्र के आधार पर समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन आप चुनौती दीजिएगा, हमारे अस्तित्व पर खतरा कीजिएगा, तो हम फरसा भी चलाना चाहते हैं। इस आह्वान के साथ यह आज कार्यक्रम हुआ है।